नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की मासिक बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें, फतेहपुर जनपद में देवीगंज में आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह पटेल की अगुवाई में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रमुख रूप से बिजली की कटौती की समस्या पर विशेष जोर दिया गया। इस समस्या के चलते किसानों की धान की फसल बर्बाद हो रही है, जिसका गहन अध्ययन किया गया और निर्णय लिया गया है कि बिजली विभाग द्वारा इस कटौती को बंद कराया जाए। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। मीटिंग रखी गई है, कितने लोग नियुक्त किया है आपने? मीटिंग जो है, एक तो मासिक मीटिंग है। मासिक मीटिंग में जो केंद्र सरकार ने MSP पे जो है जो समिति का गठन किया है, ये फर्जी है। और जो GST जो है किसानों के ऊपर थोपी गई है, ये गेहूं, आटा, दही, दूध, जिसमें 5% की GST है, उस GST का हम लोग विरोध, पुरजोर विरोध करती है किसान यूनियन। आज कितने लोग नियुक्ति की है? आज नियुक्ति हमने 4 लोगों की है। क्या नाम है आपका? मैं प्रेम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति फतेहपुर। को जोड़ी हूँ, अपने संगठन को मजबूत की हूँ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को। और हमारा मुद्दा यह है कि किसानों की जो बिजली पे सबके मुकदमे हो रहे हैं, चलती लाइन पे मुकदमे ना हो, उनको वही उसी पे रसीद काट के कनेक्शन कर दिया जाए। और सरकार का भी फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा। जैसे सरकार दे रही है, जो सामग्री दे रही है, वो सामग्री न दे करके, क्योंकि किसान क्या करेगा, सामान 1-2 लाख रुपए का लेकर के वो तो पहले भी लगा चुका है। 2-2, 3-3 बीघे वाले काश्तकार भाई बड़े आदमी हैं तो ले लेते हैं। और जैसे कि जो गायें हैं, जो सरकार 30 रुपए देती है, उनको 30 रुपए न दे करके 100 रुपए कम से कम दे कि उनका पेट भर कर राशन मिले और उनके टीके की व्यवस्था करें, जिसमें कि गायों की जनसंख्या आगे न ज़्यादा बढ़े। उसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि जैसे सरकार ने GST बिल जो लागू किया है, तो बड़ा आदमी तो भर लेगा, पर लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? ये गलत किया है सरकार। बड़े लोगों के लिए GST होती है, गरीबों के लिए, सबके लिए नहीं, आम जनता के लिए सरकार GST न लागू करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह है, किसान महिला मोर्चा की मैं जिला।